बढ़िया, इनके पास वो अल्फाबेट्स है जो मैंने बहुत छोटे में पढ़ा था। हाँ, जब मैं एलकेजी में था तो मेरे हमेशा सौ अंक आते थे। सौ अंक तुमने पाए थे? तुम क्यों हंस रही हो? मेरा प्रदर्शन हमेशा ही बहुत शानदार रहता था। भूल गए, तुम्हारे शानदार प्रदर्शन में तुम्हें एक बार शून्य मिला था, जीरो। ए, रीटा, तुम मेरा बहुत मजाक उड़ा रही हो, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुम बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है ठीक है, अगर तुम अंदर भी होगे ना तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सुनोगे तुम? हाँ, कुछ बताना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, मैं अपने दोस्त के घर गयी थी। तुम? हाँ हाँ। अरे तुम तो हमेशा घर के अंदर रहती हो, तुम क्या करने अपने दोस्त के घर गई थी? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में रहती हूँ और मुझे नई चीजें जाननी थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर गई। मेरा एक छोटा सा दोस्त है, मैं उसी के घर पर गई थी। ओ, छोटा बच्चा, तो तुम मुझे उसके बारे में जरा बताओ ना, बताओ बताओ। हाँ, जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब मैं उसके बारे में बताऊंगी शायद तुम बदल जाओगे। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि मेरा प्रदर्शन हमेशा शानदार रहता था? हमेशा ही शानदार हो। ठीक है ठीक है, क्या तुम्हें मेरे दोस्त का नाम पता है? हाँ, मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ मुझे सीखना है। लेकिन मैंने बताया तब भी तुम नहीं सीख पाओगे। नहीं, मैं सीख लूंगा, मैंने बोला ना मैं होशियार हूँ। ठीक है ठीक है, मेरे दोस्त का नाम है जब नाम ही इतना अच्छा है तो मेरे ख्याल से सभी चीजें बहुत अच्छी होंगी। हाँ हाँ, तुम्हें कुछ पता है, मेरा दोस्त एक चमत्कारी बच्चा है। अरे हाँ हाँ, तुम खुद ही एक चमत्कार हो तो फिर तुम्हारे दोस्त भी चमत्कारी ही होंगे, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जब मैंने तुम्हारी मम्मी को कुछ पूछा ना तो उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। हाँ, मेरे बारे में क्या बताया क्या बताया क्या बताया? हाँ, क्या कहा तुम जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि तुम रोज बाइबल नहीं पढ़ते हो और रोज प्रार्थना भी नहीं करते हो। मेरा नाम खराब कर दिया। ठीक पर है, तुम ठीक मुझे है। जल्दी बताओ तुमने मेरी मम्मी से ये सारे सवाल क्यों पूछे, जल्दी बताओ मुझे। क्योंकि मेरे दोस्त साइरस के मम्मी पापा ने उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे बारे में पूछूं। तो तुम छोड़ो छोड़ो, ठीक है, मेरे दोस्त की मम्मी पापा उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या हम वो सुने? हाँ, चलो चलो जल्दी हम चलते हैं और देखते हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में क्या कह रहे हैं। चलो चलो। हाँ, हाँ, चलो देखो। प्रभु की स्तुति हो, हम लोग जेसिका पॉलन और साइरस जोशुआ के मम्मी पापा हैं। जेसिका के जन्म के 5 साल के बाद साइरस जोशुआ मेरे पेट में था। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात हमारे सामने आई कि साइरस जोशुआ बहुत सारी उलझनों के साथ पैदा होने वाला, ऐसा डॉक्टरों ने मुझसे कहा। और हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। वो पूरा 9वां महीना शोक में बदल गया, हम बहुत ज्यादा दुखी थे। तो हम सब प्रार्थना में पूरी तरह से जुट गए। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा या फिर मरा हुआ पैदा होगा, ऐसा कहा उन लोगों ने। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्थिति में थे। मेरे पति और मैं प्रभु के साथ विनती करने लग गए और हमें जो भी समय मिलता हम प्रार्थना ही करने लगे। आंखों में आंसू लेकर हम प्रार्थना करते, चाहे रात हो या सुबह, हम लोग सोते ही नहीं थे। हम लोग अलग अलग कमरों में रोते हुए प्रार्थना करते रहते थे। और ऐसी स्थिति में मैंने एक सपना देखा, उसमें मैंने एक पिशाच देखा जो अपने आप को वैम्पायर कहता था और उसने कहा कि ये बच्चा और उसका जीवन अब मेरा है, मैं उसे मारने आया हूँ। वो मेरे बच्चे को लेने आया था और मुझे मारने आया था और मेरे पीछे लग गया। और उसने कहा कि मेरे पति के पूर्वजों के श्राप की वजह से ये हो रहा है।
और मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं अपने घर के प्रवेश द्वार पर आ गई और मैं रोने लग गई, बहुत रोने लग गई, क्योंकि कितना भयानक सपना था। उसके बाद मेरे पति और मैंने इस विषय में चर्चा की, बहुत चर्चा की और प्रार्थना भी की, और ये कहा कि प्रभु की शक्ति इन सब चीजों से बढ़कर है, इन सब चीजों से बढ़कर प्रभु की शक्ति है। और एक दिन जब हम प्रार्थना कर रहे थे, ये ईश्वर पिता ने मेरे साथ बहुत स्पष्टता से बात की, यशया की किताब के 45वें अध्याय द्वारा साइरस ये नाम उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि इसका अभिषेक होगा और ये उनका बेटा होगा, और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने मुझे ये बात समझाई। उस समय हमें बच्चे का लिंग पता नहीं था, पर हमने सोचा कि उसका नाम साइरस ही रखेंगे, और इस विषय में मेरे पति ने और मैंने चर्चा की थी और उसके बाद वो वैसा ही पैदा हुआ। तीन वर्ष की उम्र तक साइरस ने बात नहीं की थी और हम लोग बहुत ही घबरा गए थे और बहुत रोए कि ये कभी बात कर पाएगा कि नहीं। साधारणतः कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, लेकिन इसे उलझने थी, इससे हमें ज्यादा भय था। जब वो प्ले स्कूल में था तो दूसरे बच्चे उसके साथ वाले बहुत अच्छे से बात करते थे, पर ये बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा था और मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और एक ही महीना बचा था स्कूल के लिए, साधारण स्कूल के लिए, और ये अंत था कि अगर इसने अभी बात नहीं की तो साधारण स्कूल में वो कैसे पढ़ेगा, ये भय में सता रहा था। तो इसी दौरान हम एंजल टीवी के मासिक उपवासी प्रार्थना में गए। उस सभा के बाद साधु भाई खुद लोगों से मिलते और उनको आशीर्वाद देते, और हम लोग भी वहां पर गए और हमने प्रार्थना की और हमने साधु भाई को सब कुछ बताया, इसकी उलझनों के बारे में, कैसे वो बात नहीं कर पा रहा है, सब बताया उन्हें। वो बोले, बेटी इसके साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, सिर्फ तुम ही ऐसा कह रही हो, उन्होंने बहुत आराम से कहा मुझे। और फिर उन्होंने हाथ रखकर प्रार्थना की। हमें संतोष नहीं हुआ, पर हम फिर भी वहां से लौट कर आ गए, और आने के अगले दिन से ही उसने एक सरसराहट में बात करना शुरू कर दी थी। तो मेरे पति ने कहा कि एक जो भविष्यवक्ता के शब्द होते हैं उसमें बहुत ही शक्ति होती है, और हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई और हमने प्रभु की बहुत स्तुति की। बाकी की बातें मेरे पति बताएंगे, चलो सुनते हैं। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि हमारे बच्चे का जन्म एक चमत्कार था, इसीलिए हमने हमारे बच्चे का नाम साइरस जोशुआ रखा, क्योंकि वो एक चमत्कार था। वो एक उत्सुक बच्चे की तरह प्रभु यीशुआ में बढ़ा है, आगे बढ़ा है वो। और अगर इसके पीछे का मुख्य कारण मैं बताऊं तो वो है एंजल टोडीज, क्योंकि हम उसे लगातार एंजल टोडीज में लेके जाते हैं। हालांकि वो वहां पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करता था, पर बाकी बच्चों की तरह और सारे गतिविधियों में भाग लेता था वो, और उसी के द्वारा हमें पता चला कि उसके अंदर भी प्रभु की आत्मा है, ऐसा हमें महसूस हुआ। और जब भी हम अपने घर पे प्रार्थना करते थे तो वो हमेशा दर्शन देखता था। बस इतना ही नहीं, प्रभु ने उसे तीव्र आत्मिक आंखें भी प्रदान की हैं। वो बहुत ही उत्साही है, जैसा कि प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा, तो इस वचन का मेरा बच्चा एक गवाह है। और इसी तरह जब भी हम लोग गुजरते हैं रास्ते से तो वो किसी भी मूर्ति को देखता है तो वो कहता है, दूर हट जाओ शैतान, ऐसा वो कहता है उस समय मूर्ति को देखकर। और इसी तरह एक उत्साही बच्चे के रूप में वो बड़ा हुआ है, आगे बढ़ा है। अरे वाह 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 वाह, पता है मेरी मम्मी हमेशा मेरा नाम खराब करते रहती है, पर तुम्हारे दोस्त के माता पिता उसके बारे में कितना अच्छा बोल रहे थे। हाँ, उसका कारण ये है कि जब से वो बहुत छोटा था ना, तब से वो प्रार्थना करता था और उसने अभिषेक प्राप्त किया था। हाँ? हाँ, और उसके पापा ने क्या कहा वो तुमने सुना ना? प्रार्थना, मेरी मम्मी जब देखो मुझसे कहती है प्रार्थना करो, और मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं करता ना। हाँ, अगर तुम अच्छे से प्रार्थना करोगे ना, यीशु पिता तुम्हें भी अभिषेक प्रदान करेंगे, तुम्हारी मम्मी तुम पर गर्व करेंगी और दुनिया को तुम्हारे बारे में बताएंगी। अरे वाह 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 वाह, मैं तो खुशी से पूरा झूम उठा हूँ, मुझे अभी कुछ याद आ गया, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, यही तुम कहना चाहती हो ना? हाँ, ठीक है ठीक है। क्या तुम्हें कुछ पता है? तुमने सब कुछ बता दिया है तो अब ऐसा मत कहो कि तुम्हें पता है। हाँ, उसकी नानी जो है ना, उन्होंने हमारे दोस्त के बारे में और उसकी प्यारी बहन के बारे में भी बात की है। उन्होंने क्या बात की है, क्या हम जाके सुने? क्या कहा? प्यारी बहन? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, चलो चलो देखते हैं। हाँ।
एंजल कुट्टीज के छोटे बच्चों, मैं जोशुआ की नानी हूँ। जोशुआ जो है बहुत ही छोटी उम्र से बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है। हमारी सब आज्ञा मानता है, जो भी हम उसे सिखाते हैं वो अच्छे से हमें सुनाता है, और वो बहुत ही सुंदर तरह से गाता है, और उसे बहुत ही छोटी उम्र में अभिषेक प्राप्त हो गया था। अपनी बहन के साथ उसने एंजल कुट्टीज में भाग लिया था, और वही जगह है जहां प्रभु ने इसे अभिषेक का उपहार प्रदान किया था। वो बुदबुदाता रहता था, बड़बड़ाता रहता था, पर हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते थे, और मैं और मेरे पति उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते थे, इसलिए बहुत चिंतित हो गए थे। फोन पर भी वो अक्सर ऐसे बड़बड़ाता रहता था और हम समझ ही नहीं पाते थे कि क्या बोल रहा है, एक शब्द भी समझ में नहीं आता था हमें। तो हम प्रभु से बहुत ही दिल से प्रार्थना कर रहे थे, और फिर ऐसा हुआ कि एक विशेष दिन पर इसके मम्मी पापा इसे साधु भाई के पास लेकर गए, और उन्होंने बताया कि ये बात नहीं कर पाता है। मेरी बेटी ने तो आशा छोड़ दी थी, उसने सोचा कि ये कभी भी बात नहीं कर पाएगा। मैंने उससे कहा कि विश्वास रखो, वो एक दिन जरूर बात करेगा। और एक दिन वो लोग साधु भाई के पास गए प्रार्थना के लिए, इसके मम्मी पापा। अगली दिन से ये स्पष्टता से बात करने लग गया, और हम लोग बहुत चकित हो गए थे। ये गीत गाने लग गया था और अपने पापा के साथ बहुत सारी बात करने लग गया था। ये स्पष्टता से बात करने लगा और उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई। ये तो प्रभु का एक चमत्कार ही है। एक दिन हम लोग सब साथ बैठकर टीवी देख रहे थे साथ में। ये भी देखता है पर उसे कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जैसे कोई चीजें आत्मिक नहीं होती है तो उसे देखना पसंद नहीं है। वो अपनी आंखें तुरंत बंद कर देता है और बोलता है, शैतान शैतान मुझे ये नहीं चाहिए, और वो ये सब चीज नहीं देखता है और हमें कहता है कि टीवी बंद कर दो। वो आत्मिक कार्यक्रम देखना पसंद करता है, जैसे एंजल टीवी और दूसरे मसीह चैनल्स के कार्यक्रम देखना पसंद करता है। दर्शन भी देखता है तो पहले उसका चित्र निकालता है और मुझे दिखाता है, कहता है, नानी देखो ये स्वर्गलोक है और यही यीशु पिता है, सब समझाते हुए मुझे बताता है। हम लोग सब उसके चित्रों को देखकर हंसने लग जाते हैं, पर वो तो अपने ही ज्ञान के हिसाब से अपने चित्र बनाता है, और हम उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। प्रभु ने हम दोनों को ऐसे प्यारे प्यारे पोता पोती दिए हैं, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, और प्रभु की महिमा हो, आमीन। जेसिका पॉलिन, मैं साइरस जोशुआ की बड़ी बहन हूँ। मैं एमसीसी कैंपल स्कूल तंबरम के 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जब मैं 5 साल की थी, एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता शिविर में यीशु पिता ने मेरी आत्मिक आंखें खोल दी थी, और अब मैं 9 साल की हूँ, और यीशु पिता ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिखाए और बहुत सी भविष्यवाणी दी है। क्या मैं उनमें से कुछ आपको बता सकती हूँ? एक दिन मैं अपने कमरे में व्यक्तिगत प्रार्थना कर रही थी, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे स्वर्गलोक लेकर जाइए, ऐसा कहा मैंने। फिर यीशु पिता स्वयं आए और मुझे स्वर्गलोक लेकर गए। वो मुझे एक विशेष जगह लेकर गए जहाँ पर बहुत सारे स्वर्गदूत थे, और वो बहुत सुंदर घर बना रहे थे हीरों के साथ, और उन्होंने बहुत सारे हीरे इकट्ठा किए और बहुत सुंदर तरह से बना रहे थे। प्रभु मुझे एक घर में लेकर गए वहाँ, और उन्होंने मुझे उस घर का दरवाजा खोलने को कहा। वो सुनहरा दरवाजा था। मैंने वो दरवाजा खोला। उस समय मेरी आंखें बहुत संवेदनशील हो गई और मैं बिल्कुल देख नहीं पाई, क्योंकि वो पूरा हीरों से भरा हुआ था और वो बहुत चमक रहे थे। अमूल्य हीरों को लेकर वो घर बनाया हुआ था। फिर यीशु पिता ने मुझसे कहा,
ये घर तुम्हारे लिए बनाया है और ये तुम्हारे ही रहेगा जब तुम स्वर्ग लोक आओगी, और मैं खुशी से फूली नहीं समाई। उसके बाद यीशु पिता ने मुझसे कहा कि चलो अब मैं तुम्हें एक दूसरी जगह ले जाता हूँ। मुझे उस जगह जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर मैं फिर भी वहाँ गई। एक बड़े टेबल पर बहुत से स्वर्गदूत बैठे हुए थे और बहुत से सुंदर हीरों से और अमूल्य पत्थरों के साथ, मणियों के साथ वो कुछ सिल रहे थे। वो कपड़ा बहुत ही लंबा लग रहा था। यीशु पिता ने मुझसे कहा कि अंतिम दिनों में जब तुम स्वर्ग लोक आओगी, तुम ये वाली पोशाकें पहनने वाली हो। फिर उन पोशाकों में से यीशु पिता ने मुझे एक पोशाक दी। वो पोशाक पहनकर मैं बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैंने वो पहनी तो मैं एक शहजादी की तरह लग रही थी, और वो पोशाक पहनकर मैं थोड़ा चली भी थी। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाती, उसमें से बहुत सुंदर संगीत आ रहा था, और कदम बढ़ाते बढ़ाते वो एक गीत में बदल गया। दोस्तों, ये अंतिम दिनों में अगर आप यीशु पिता के योद्धा हो या शहीद हो, यीशु पिता के पास आपके लिए बहुत रहस्य है, बहुत पोशाकें हैं और घर हैं इस तरह के, जब आप स्वर्ग लोक जाओगे। ऐसे उपहार पाने के लिए आपको यीशु पिता से प्रार्थना करनी होगी। कितना सुंदर था, बहुत ही बढ़िया था। यीशु पिता ने सभी को कितना ही सुंदर बनाया है, देखा तुमने? पर तुम सुंदरता के विषय में क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने उसके बताए हुए दर्शन नहीं सुने क्या? अरे मैं उसके बारे में भी बोल रहा हूँ। चमत्कारी दर्शन, अद्भुत दर्शन और एक प्यारी बहन। सिर्फ यही नहीं, पर उनकी नानी ने जो कहा ना, क्या था वो? पवित्र प्रतिज्ञा पत्र का संदूक। हमारे दोस्त ने उसके विषय में समझाया है, क्या हम उसको सुने? हाँ, पवित्र प्रतिज्ञा पत्र का संदूक। अरे इससे तो हमने बाइबल में पढ़ा है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कुछ और सोच भी नहीं पा रही हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं ना। हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हारी दोनों आँखें नीचे गिर जाएंगी। चलो चलते सुनते हैं। पिछले महीने यीशु पिता ने मुझे एक और दर्शन दिखाया, क्या मैं आपको बताऊं? एक दिन हम लोग टीवी पर भविष्यवक्ताओं की चंगाई सभा देख रहे थे, और उस समय यीशु पिता ने मुझे एक दर्शन दिखाया, क्या मैं वो दर्शन आपको बताऊं? हमारे घर के बीचों बीच, पता है, पवित्र प्रतिज्ञा पत्र का संदूक आया, और वो संदूक दोस्तों पता है सुनहरे रंग का था। उस सुनहरे संदूक को किसी ने नहीं खोला, पर वो अपने आप ही खुल गया, और उसके अंदर से सुनहरे रंग की अग्नि आई, एक मोटी परत आई अग्नि की, और हमारा घर पूरा भर गया उस सुनहरे रंग से। उसके बाद मैंने देखा मेरे नाना नानी, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा, हम लोग सब नए लोग बन गए थे, नए लोग बन गए, ऐसा देखा मैंने। वाह 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 वाह, कितनी महान चीज है ये। इसने पवित्र प्रतिज्ञा पत्र का संदूक देखा और उसने सजीव रूप से देखा। दर्शन में सजीव रूप से इसे देखना कष्टकारी। कितना अच्छा था ना। ठीक है, क्या तुम्हें गाना आता है? गाना हाँ। गाने में तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। रुको, अभी गा के दिखाता हूँ। मत गाओ, मैंने बिना सोचे ही पूछ लिया। हेलो, मैंने ना, वो कौन सा सिंगर है? अरे कोई भी सिंगर हो, मैंने पहला पुरस्कार पाया था। ठीक है, तुमसे पहले मेरे दोस्त को पहला पुरस्कार मिलेगा, क्या हम उसको जाकर सुने? हाँ, तुम्हारा दोस्त, उसने क्या गाया है मुझे तुरंत सुनना है। चलो देखो। दोस्तों, मेरा भाई और मैं आपके लिए यीशु पिता की आंखों के विषय में गीत गाएंगे। क्योंकि आपकी सुंदर आंखों ने मुझे देखा, मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। क्योंकि आपकी सुंदर आंखों ने मुझे देखा, मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। ओ मेरे प्यारे, कोई मुझे नहीं जानता था, आप मुझे जानते थे और मुझे ढूंढने आए। ओ मेरे प्यारे प्रभु, कोई मुझे नहीं जानता था, आप मुझे जानते थे और मुझे ढूंढने आए। क्योंकि आपकी सुंदर आंखों ने मुझे देखा, मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। ओ मेरे प्यारे प्रभु, मैं
मुझे देखा। मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना, क्योंकि आपकी नजर ने मुझे देखा। मैं जी रहा था सोच के हो गया जीना। वाह 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 वाह, तुम्हारा दोस्त हर एक चीज में बहुत प्रतिभावान है। तुमने देखा वो कितनी अच्छी तरह से गा रहे थे। ये ईशा पिता की आंखों के बारे में जो मेरी जैसी ही है ना? हाँ ना? ठीक है ठीक है, मेरे दोस्त साइरस ने एक बहुत ही बढ़िया दर्शन देखा। ये ईशा पिता बहुत ही तुरंत दर्शन दिखाते हैं, पर वो मेरे दोस्त के घर पर आए और उन्होंने कहा कि रात को वो दर्शन दिखाएंगे उसे। हाँ हाँ, क्यों सुबह के टाइम में ट्रैफिक होता है क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा दोस्त उसके लिए इंतजार कर रहा था। रात को उसने दर्शन देखा और क्या हम उसे सुन ले उसने क्या देखा? हाँ, सुनेंगे सुनेंगे, रात का समय बहुत अच्छा समय होता है, उसने अच्छा दर्शन देखा होगा। चलो देखो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है साइरस जोशुआ और मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं MCC स्कूल तंबरम में पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। क्या मैं आप सबके साथ मेरा अभिषेक प्राप्त करने का अनुभव बता सकता हूँ? बताऊँ, एक रात ईशा पिता आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अभिषेक प्रदान करेंगे और फिर वो चले गए। उस समय रात थी, मैं अपने घर से बाहर गया। मैं ईशा पिता ने मेरे सर को छुआ और मुझे अभिषेक प्रदान किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। दोस्तों, मैं अपना दूसरा दर्शन आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था एंजल टॉर्जीज में। यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा उपहार दिया। और जब मैंने वो उपहार खोला, मैंने देखा कि उसमें पूरा प्रभु का कवच था। उसमें कवच, झेलम, तलवार, जूते, टोप, ये सब चीज़ें थी। मैंने वो पहन लिया, मैंने वो पूरा कवच पहन लिया प्रभु का। और जब मैं शैतान के साथ लड़ने लगा, वो भाग गया क्योंकि वो डर गया था। एंजल कोटीज में देखा हुआ मेरा तीसरा दर्शन बताऊं। मैं उस दिन प्रार्थना कर रहा था। यीशु पिता आए और दो स्वर्गदूत भी आए, और प्रभु और वो दोनों स्वर्गदूत मुझे स्वर्गलोक लेकर गए अपने साथ। और फिर स्वर्गलोक पहुंचने के बाद यीशु पिता ने मुझे थोड़े खिलौने दे और थोड़ी देर के लिए मैं खेलने लगा। खेलने के बाद यीशु पिता और मैं हमारे घर के हॉल में आए, और हॉल में आने के बाद वो मेरे साथ बैठे और मेरे साथ बात की उन्होंने, और फिर उन्होंने बाय कहा और वो चले गए। कितना ही अद्भुत था ये। हाँ, अलग अलग तरह के दर्शन, अद्भुत अद्भुत अनुभव। मैं भी अपने जीवन में ये सब पाना चाहता हूँ रीटा। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी और हमारे सारे दोस्त जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी आतुर है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं भी बहुत आतुर हूँ। अब वो लोग क्या करने वाले हैं आगे? अब साइरस प्रार्थना करेगा कि तुम, मैं और हमारे सारे दोस्त दर्शन देख सके। और योएल 2:28 के अनुसार अभिषेक भी प्राप्त करें हम सब लोग। ओह,
प्रार्थना, अब मैं पश्चाताप करूंगा, मैंने अपने मम्मी की बात नहीं मानी थी। साइरस, बच्चे तुम प्रार्थना करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा। आंखें बंद करो ना प्रार्थना के दौरान, आंखें बंद करो, हम सब प्रार्थना करेंगे। हेलो दोस्तों, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? यीशु पिता आपको आशीर्वाद देंगे, चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु पिता धन्यवाद इस दिन के लिए। यीशु पिता हर बच्चा जो एंजल टीवी देख रहा है उसे आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता उसी तरह से जैसे आपने मेरी आत्मिक आंखें खोली है, सबकी आत्मिक आंखें वैसे ही खोल दीजिए। यीशु पिता योएल 2:28 और भजन संहिता 8:2 के अनुसार सबको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता सबको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। ठीक है ठीक है, अब मैं अपने दूसरे दोस्त के घर जा रही हूँ। हाँ तो चलो मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, हम मिलेंगे, बाय बाय। मुझे और अधिक प्रार्थना करनी है, अब मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने। बाय बाय रीटा, जल्दी जाओ जाओ जाओ। हाँ दोस्तों, इस एंजल कुटीज कार्यक्रम ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है दोस्तों। हाँ, आपके बारे में क्या है दोस्तों? इस कार्यक्रम को देखते रहिए और एंजल कुटीज क्लब में भाग लीजिए। हम और अधिक दर्शन देखेंगे, भविष्यवक्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। बाय। मेरे दोनों बच्चों ने दर्शन देखा है, दोनों ही बच्चों ने दर्शन देखा है, और हम इस वचन के गवाह हैं कि मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। हम इस प्रभु के वचन के गवाह हैं, और मैं अपने पूरे दिल से एंजल टीवी को और साधु भाई को और एंजल टीवी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज एंजल टीवी विल्लीपक्कम चेन्नई 49 तमिलनाडु इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kuttis@angeltv.org।